इलेक्ट्रिक कार्स में इनोवेशन लाने के कारण ऑटोमेकर्स की लिस्ट में टेस्ला सबसे आगे निकल रहा है। कहा जाता है कि इलॉन मस्क रिस्क लेने से नहीं डरते, जिस कारण वो आज काफी रूथलेस एंटरप्रेन्योर माने जाते हैं। ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क का ये टाइटल उनसे अलग नहीं होने वाला। एंड इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला साइबर हाउस बंगर के बाद अब एक और न्यू टेक्नोलॉजी मार्वल की इनोवेशन पर फोकस कर रही है, जिसे टेस्ला मॉडल वाई यार्ड का नाम दिया गया है। साइबर हाउस बंकर की तरह ही इस यार्ड को भी सेल्फ सस्टेन बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है, हमारी कंट्री में इस तरह का बंकर बनाया जा सकता है? मे बी यस, जिसके बारे में हमने अपनी रिसेंट वीडियो में डिस्कस किया है। आपका क्या कहना है टेस्ला के ऐसे यूनिक एंड इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में? वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जाने माने टेस्ला लीड डिजाइनर ने टेस्ला मॉडल वाई कार से इंस्पायर्ड होकर मॉडल वाई यार्ड का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। रिचार्जेबल होने वाली फास्ट एक्सेलरेशन की इलेक्ट्रिक कार्स को रोड पर ड्राइव करना अब एक नॉर्मल बात हो गई है, और अब टाइम आ गया है कि नॉर्मल चीज़ों से हटकर कुछ यूनिक किया जाए, जिसे इलॉन मस्क के अलावा कोई भी बेटर तरह से नहीं कर सकता। आखिर बड़े सपने देखने में कोई रोक नहीं है। ऐसे ही बड़े सपने देखने वाले एक इंसान ने समुद्र में पार्टी करने के लिए इनोवेटिव यार्ड के कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया है। ध्रुव प्रसाद ने टेस्ला के लिए जिस यार्ड का कॉन्सेप्ट रेडी किया है, वो देखने में एक स्क्विड की तरह दिखाई देती है, जिनके इस सुपर बोट कॉन्सेप्ट को टेस्ला मॉडल वाई यार्ड का नाम दिया गया है। ऐसा लगता है कि ये वाई लेटर यार्ड वर्ड से लिया गया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? एनीवेज, सच तो यह है कि जो भी लकी लोग समुद्र में इस यार्ड की सवारी करेंगे, उनको अपनी लाइफ का बेस्ट समय का एक्सपीरियंस तो होना कंफर्म है। एंड सिंस इस यार्ड से टेस्ला का नाम एंड लोगो जुड़ा हुआ है, तो टेस्ला कार्स की तरह ही इस यार्ड में भी कस्टम एडजस्टमेंट्स का ऑप्शन रहेगा, जो इस यार्ड कॉन्सेप्ट को और भी यूनिक बना देता है, जिसे आज तक किसी भी यार्ड में नहीं देखा गया है। जिसका क्रेडिट जाता है बेंगलुरु के एक टैलेंटेड डिजाइनर ध्रुव प्रसाद को, जिनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये यार्ड पूरी तरह से ऑटोनोमस बनाई जा सकती है। बट साथ ही इस यार्ड को एक यार्ड की तरह दिखने में एलिगेंट एंड कम्फर्टेबल भी होना होगा। ये इलेक्ट्रिक बोट एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है, यानी कि ये बोट सूरज और समुन्दर की हेल्प से अपनी बैटरीज को ऑलवेज चार्ज रखेगा। इसलिए जब कभी आप इस यार्ड से घूमने का फर्स्ट ट्रिप प्लान करें, तो खुली धूप वाले दिन जाएं। नॉट नेसेसरीली, बिकॉज इस मॉडल वाई यार्ड में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टर्बाइन सिस्टम लगाए गए हैं, जो यार्ड के बिल्कुल लोअर पार्ट में लोकेटेड हैं, जो सूरज के बिना भी समुन्दर में ट्रैवल करते समय सी वाटर से एनर्जी जनरेट करते हैं, जो इस यार्ड को बिना किसी सनी डे वाले दिन भी ट्रिप के लिए यूजफुल बना देता है, जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को और भी ऑसम बना देता है। व्हाट डू यू से? जब आप इस यार्ड को पहली बार देखेंगे, तो आपको लगेगा कि आप एक जायंट स्क्विड को देख रहे हैं। 131 फीट 40 मीटर लंबी नाव, जो आगे से तीखी और फिर पीछे की ओर आते आते फ्लैट और चौड़ी बनाई गई है। इस यार्ड का डिजाइन अदर यार्ड के डिजाइनों से अलग नहीं है, जो ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देते हैं एंड टॉप डेक का मोस्ट ऑफ द एरिया कवर करते हैं। अंदर खुली जगह बनाने के लिए रोशनी उन सारे छेदों से आती है जो यार्ड के सुपर स्ट्रक्चर की रूफ पर बनाए गए हैं। हालांकि ऐसा करने का एक ड्रॉबैक भी है, जिस कारण इस यार्ड में ऊपर कोई भी डेक नहीं बनाया जा सकता। यार्ड की सबसे ऊपर छत पर सोलर पैनल्स हैं, ताकि जब ये यार्ड ट्रैवल नहीं कर रही होती है, तब भी इस यार्ड की बैटरी को चार्ज किया जा सके। अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक कार्स के फैंटास्टिक सक्सेस के बाद ये तो क्लियर है कि टेस्ला मॉडल वाई यार्ड का ये कॉन्सेप्ट रियलिटी में चेंज होता है, तो टेस्ला का ये कॉन्सेप्ट भी सक्सेसफुल जरूर रहेगा। इसलिए यदि कोई इसे खरीदने के बारे में सोचता है, तो उसे अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस यार्ड के सस्ता होने की कोई उम्मीद नहीं है। एंड आफ्टर ऑल, टेस्ला कार्स की तरह ही एक ना एक दिन ये यार्ड मुंबई, गोवा या फिर केरला जैसे जगह पर ट्रिप के लिए में भी अवेलेबल रहे। आपको क्या लगता है, अभी तक हमारी कंट्री में टेस्ला कार्स क्यों नहीं अवेलेबल हैं? टेस्ला कार्स का इंडिया में अवेलेबल ना होने के पीछे काफी रीजंस हैं, जिसे हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस किया है। बाहर से छोटी लगने वाली यार्ड असलियत में अंदर से काफी स्पेशियस और बड़ी है, जिसमें एक बार लाउंज पैड और बेड शामिल है, और वेरियस एक्टिविटीज करने के लिए इस यार्ड में काफी स्पेस है। इस टेस्ला सुपर बोट में एक खास बात यह है कि इसके नीचे के डेस्क में काफी खुली जगह है, जहां मेहमान आपस में एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाउंज और डाइनिंग एरिया के अलावा रेस्ट करने के लिए इस यार्ड में एक ग्लास रूम मौजूद है, जिसमें दो बेड अवेलेबल होंगे, जिसके अंदर और आउटसाइड में एक स्पा को भी बिल्ड किया जाएगा। पीछे बाहर की ओर दो लाउंज चेयर्स के साथ एक प्राइवेट पूल भी होगा, जो इस यार्ड पर इंटीमेट मोमेंट्स के लिए परफेक्ट रहेगा। लेकिन मौसम अगर ज्यादा खराब हो जाता है, तो इस एरिया को बाहर से भी बंद किया जा सकता है। फ्यूचर में रियलिटी बनने वाले इस यार्ड में बहुत ही यूनिक टाइप का फर्नीचर यूज किया जाएगा। ऊपरी डेक में लगे ब्लैक बिन से लेकर बाकी सब हिस्सों को ध्यान में रखा जाएगा, जो ये इंश्योर करता है कि इस यार्ड को काफी अच्छे से बिल्ड किया जाए। अलग अलग मेहमानों की जरूरतों के अकॉर्डिंग यहाँ लगे दो एल शेप के बेंचों को ऊपर या नीचे किया जा सकता है,
सेम कॉन्सेप्ट को इस यार्ड के बार में रखे स्टूल्स में भी इम्प्लीमेंट किया गया है। इवन यार्ड के लोअर डेक में इस तरह का टेबल इंक्लूड है, जिसे देखने पर टेबल के आसपास रखी सीट्स नजर नहीं आती, जो यार्ड को और भी स्पेशियस लुक प्रोवाइड करता है। इवन टेबल्स के सेंटर में एक बटन है, जिसको घुमाने से एक ही बार में चारों चेयर्स घूमकर नीचे से निकलती हैं। टेस्ला भी वर्ल्ड के दूसरे एक्सपेंसिव ऑटोमेकर्स जैसे कि बुगाटी, मर्सिडीज बेंज, एस्टन मार्टिन, जगुआर, लेक्सस एंड फरारी की तरह ही अब बोट मेकिंग वेंचर को ज्वाइन करने का प्लान बना रहा है। बट इन सभी ब्रांड्स की यार्ड कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना दें, बट कोई भी टेस्ला मॉडल वाई यार्ड की तरह 100% सेल्फ सस्टेन लाइफ प्रोवाइड नहीं कर सकता, जो नॉट ओनली हम ह्यूमंस के लिए कंफर्टेबल होगा बट साथ ही हमारे प्लैनेट के लिए भी। सो कैसा लगा आपको टेस्ला मॉडल वाई सेल्फ चार्जिंग यार्ड का ये टूर? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। एंड यदि आपके पास कोई वीडियो सजेशन है तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।